जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण उमा संहिता खंड का 47वां अध्याय धूम्र लोचन चंड मुंड बीज वध का वर्णन कर रही हूँ। सुने ऋषि बोले, शुभ चंड मुंड नाम के दो दैत्य परम पराक्रमी हुए, जिनके तेज से चराचर त्रिलोकी कांप उठे। दोनों से दुखी होकर सभी देवता हिमाचल पर जगत की जननी श्री पार्वती जी के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम स्तुति करके बोले, हे भगवानी महेशानी, आपको प्रणाम हो, हमारी रक्षा करें। तब देवताओं की स्तुति सुनकर गौरी बोली, तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो? इतना कहने के बाद उस गौरी के देह से एक कुमारी का प्रकट हो गई। तब देवताओं के देखते देखते मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तब उस कुमारी का नाम शरीर कोष से निकलने के कारण कोशिकी तथा प्रकट होने के कारण मातंडी प्रसिद्ध हुआ। फिर उसने देवताओं से कहा, तुम डरो मत, मैं अकेली ही तुम्हारा कार्य करूंगी। इतना कह कर देवी अंतर ध्यान हो गई। फिर शुम्भ निशुम्भ के दो सेवक ने जो ही उनके रूप सौंदर्य को देखा तो मोहित हो गए। अपने राजा शुम्भ निशुम्भ के आगे उसके रूप की प्रशंसा करते हुए बोले, एक बड़ी सुंदर स्त्री हिमाचल के शिखर पर सिंह वाहिनी होकर निवास कर रही है। देव कन्याएं तो आपके आगे सेविका रूप हैं। त्रिलोकी में कोई भी उनके समान सुंदर नहीं, वह नारी रतन है। हे राजन, आप तो रतन भोगता हो, वह नारी रतन तो आपके महलों में होनी चाहिए। यह सुनकर उन असुर ने सुग्रीव दैत्य को बुलाकर उस सुंदरी को ले आने के लिए तुषार पर्वत पर भेजा। तब वह हिमाचल पर पहुंचकर मातेश्वरी जगदम्बा से बोला, हे देवी जी, इंद्रादिक देवताओं को वश में करके सभी रत्नों के भोगता शुम्भ निशुम्भ नामक दो दैत्यों ने मुझे आपके पास भेज कर कहा है कि तुम स्त्री रतन हो, हम दोनों में से किसी के साथ आकर विवाह कर लो। इतना सुनकर देवी जी ने कहा, हे दूत, तुम सत्य कह रहे हो, शुम्भ निशुम्भ दोनों पराक्रमी वीर है, किंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, जो वीर मुझे युद्ध में जीत लेगा मैं उसके साथ विवाह करूंगी। यह संदेश तुम उन्हें पहुंचा दो। तब जाकर उस दैत्य ने शुम्भ को सभी वृतांत सुना दिया। उसको क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने सेनापति धुर्माक्ष से कहा, तुम तुषार पर्वत पर निवासिनी नारी को ले आओ, यदि प्रेम से न आए तो युद्ध करके किसी न किसी प्रकार जबरदस्ती से ले आओ। यह सुनकर धुम्राक्ष हिमाचल पर पहुंचकर मातेश्वरी से बोला, हे देवी जी, तुम प्रेम पूर्वक हमारे स्वामी के पास चली चलो, नहीं तो मेरे पास इस समय 60,000 दैत्य हैं, उनसे मैं तुमको पकड़वा ले चलूंगा। तब जगदम्बा बोली, वीर, मैं कैसे चलूं? मैं अपनी प्रतिज्ञा तो नहीं तोड़ सकती हूं। युद्ध करके मुझे भले ही ले जाओ। तब धुम्राक्ष शस्त्र उठाकर मारने के लिए जो ही दौड़ा तो ही देवी जी ने हुकार शब्द द्वारा उसे भस्म कर दिया। उसके भस्म हो जाने पर देवी जी के वाहन सिंह ने क्रोध में आकर उसकी सेना के राक्षसों को भक्षण कर लिया और कुछ भाग गए।
जब उस सुंब ने अपने सेनापति धूम्राक्ष का मारा जाना सुना तो उसे क्रोध हुआ। तब चंड मुंड एवं रक्त बीज आदि दैत्यों को बुलाकर युद्ध के लिए भेजा। तब सिंह वाहिनी उस जगदम्बा को देखकर वे दैत्य बोले, देवी तू प्रेम पूर्वक शुंब निशुंब में से किसी को अपना पति बनाकर शोभा को प्राप्त करो। इतना सुनकर वह देवी बोली, जिसकी विष्णु आदि सभी देवता स्तुति करते हैं और जिनके तत्व का भेद भी नहीं जान सकते, उस पर परमात्मा की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर भला किसी और को किस प्रकार अपना पति बनाऊं? हे दैत्य लोगों, यदि कुछ शक्ति है तो मुझे विजयी करके जाओ। तब दैत्य बोले, देवी जी हम आपको एक अबला नारी समझकर मारना तो नहीं चाहते थे, किंतु तुम स्वयं ही मरना चाहती हो तो इसीलिए अब तैयार हो जाओ। यह सुनकर बाणों की वर्षा करने लगे। तब युद्ध में देवी ने चंड मुंड रक्त बीज आदि सभी दैत्यों को अपने खड़ग द्वारा वध कर दिया। देवी स्त्रु होते हुए भी उन दैत्यों ने देवी के भक्तों की गति प्राप्त की। 47वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 48वां अध्याय सरस्वती का प्रकट होना। सुनी राजा ने कहा, स्वामिन चंड मुंड आदि के मर जाने पर सुम निसुम्ब ने फिर क्या किया? अब आप कृपया करके पाप विनाशिनी महामाया का चरित्र सुनाते जाइए। ऋषि बोले, इस प्रकार चंड मुंड आदि दैत्यों का मारा जाना सुनकर तब काल के मौर्य दो हद बड़े बड़े दैत्यों को युद्ध करने के लिए भेज दिया और स्वयं भी रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़ा। युद्ध के बाजे बज उठे। सभी योद्धा शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। तब जगदम्बा ने स्त्रु सेना को देखा, अपने धनुष पर बाण चढ़ा कर बाणों की वर्षा करने लगी। घंटा बजा दिया। जगदम्बा का वाहन सिंह भी गरजने लगा। उस समय हिमालय वासिनी देवी को देखकर शुंब बोला, मालती के पल्लव के समान देह धारण विलासवती, तुम्हारा कोमल शरीर देखकर हमें दुख होता है, तू किस प्रकार कोमल शरीर से युद्ध कर सकेगी? तब चंडिका ने कहा, अरे नीच, अब बातें बहुत न कर, या तो युद्ध कर या पाताल में प्रवेश कर। यह सुनकर निशुंब क्रोध में आकर बाण वर्षा करने लगा। इधर चंडिका जी ने भी अपने बाण परशु त्रिशूल आदि से उत्तर दिया। उस युद्ध के काल देवी ने असंख्य घोड़े काट डाले। वाहन सिंह ने तो असंख्य दैत्यों के प्राण हर लिए। रुधिर की नदी बह चली। इस विकराल युद्ध को देखकर निशुंब विचार में पड़ गया। उसने सोचा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं एक नारी से पराजित हो जाऊंगा। इस कराल काल की बलिहारी है जो दरिद्रों को धनी एवं धनियों को दरिद्र बना देता है। इस नारी ने तो मूली गाजर की भांति मेरी सारी सेना काट डाली, देखा जाएगा। तब सुंदर रथ में सवार होकर स्वयं देवी के सम्मुख जाकर बोला, देवी यदि युद्ध करना हो तो मेरे साथ युद्ध कर। इन बिचारे सिपाहियों के मारने से क्या प्रयोजन? इतना कह कर निशुंब बाण बरसाने लगा। देवी जी ने सभी शस्त्र
बाणों द्वारा काट दिए। तब दैत्यों ने ढाल तलवार उठा ली और देवी की ओर लपका। उसी समय चंडिका ने उसको काट डाला। फिर विषभुजे स्त्रुओं का रुधिर चाटने वाले बाण छोड़े, जैसे शीघ्र ही निशुंभ मर कर पृथ्वी पर गिर गया। दैत्य राज शुंभ ने अपने छोटे भाई निशुंभ को मरता देख लिया, तब स्वयं रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए आ गया। उसको आया देखकर चंडिका ने भयानक अट्टहास किया, जैसे दैत्यगण घबरा गए। उस समय शुंभ ने प्रज्वलित शक्ति चंडिका के ऊपर फेंकी। महामाया ने अपने बाणों से उसके हजारों टुकड़े कर डाले और क्रोध में आकर त्रिशूल उस दैत्य की छाती में घुसेड़ दिया, जिससे छाती फट गई। ऐसा होने पर भी हाथ में चक्र लेकर वह दैत्य देवी को मारने दौड़ा। चंडिका ने त्रिशूल से वह चक्र काट कर उसका सिर काट डाला। इस प्रकार मृत्यु पाकर उस दैत्य ने परम गति प्राप्त की। उन दोनों दैत्यों के मर जाने पर बाकी बचे कुचे दैत्य पाताल में प्रवेश कर गए। देवताओं को प्रसन्नता हुई। 48वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 39वां अध्याय उमा की उत्पत्ति। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।